Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Sim Solves. I hope you all are doing great. आप सभी के लिए मैं फिर लेकर आई हूँ एक अनदर जॉब अपडेट जो कि वर्क फ्रॉम होम बेस्ड है. आप सभी अगर फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, तब भी आप सभी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. इस जॉब के बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो काइंडली गाइज, हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जॉब अपडेट के साथ साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है. तो जैसा आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी मेंशन है. कंपनी जो है अच्छी कंपनी है. आप खुद वहाँ पर, जब मैं आपको बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी है, कौन सा पोस्ट है, यानी कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या होने वाला है, तो आप सभी वहाँ से कंपनी की रेटिंग्स और कंपनी के बारे में सारे अबाउट सेक्शन जो है चेक कर सकते हो. यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि फ्रेशर्स कैन अप्लाई. ऑब्वियसली फ्रेशर्स, अगर आपके पास कोई यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप सभी अप्लाई कर सकते हो. लेकिन जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसे आप सभी को फुलफिल करना होगा. लेकिन आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, कैसे आप सभी उस स्किल्स को क्वालिफाई करोगे और एलिजिबल बनोगे इस जॉब के लिए, वो सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, उस पर आपको अपने लिए कैसे काम करना है. और यहाँ पर जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जिनके पास मिनिमम एक साल का एक्सपीरियंस है, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम एक साल का भी एक्सपीरियंस है, वो भी इस जॉब के लिए गाइज आप अप्लाई कर सकते हो. तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे काम करना है फिलहाल. और ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम नहीं है, टेम्प्ररी है, कुछ समय के लिए होगा. मे बी हो सकता है कि बाद में आपकी ऑफिशियल बेस जॉब हो जाए, लेकिन जब तक है तब तक आप सभी घर बैठे आराम से काम कर सकते हो. तो सबसे पहले गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आप सभी के लिए मैं ऐसी जॉब अपडेट वीडियो बनाते रहूं और आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो काइंडली गाइस, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आप सभी के लिए मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ. तो चलो शुरू करते हैं इस जॉब के बारे में. सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, तो भी हम लोग स्टार्टिंग में ही अप्लाई पर जाकर जंप नहीं करने वाले, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है. लेकिन उससे पहले आपको स्किल समझ लेना है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, आप पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे आप सभी इस स्किल्स को अपने अंदर लाकर, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू आप सभी स्किल्स अपने गेन करके इस वीडियो के लिए, इस जॉब के लिए गाइस अप्लाई कर सकते हो. तो शुरू करेंगे सबसे पहले जॉब के डिस्क्रिप्शन, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं. क्योंकि एक कंपनी डेफिनेटली अपने कैंडिडेट में वो सारे रिक्वायरमेंट्स देखती है जो उन्हें चाहिए होती है, जो भी उनकी डिमांड होती है. और जब डिमांड हो, क्लियरली मेंशन हो कि ये स्किल्स चाहिए, तो आपका ये काम होता है कि आप सभी उस स्किल्स के थ्रू आप इस जॉब को पा सको और एक अच्छी सैलरी जो है अर्न कर सको. साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो प्लस पॉइंट मिल रहा है, वो ये है कि फिलहाल ये वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठे आपको काम करना है. तो चलो शुरू करते हैं गाइज, यहाँ से अभी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना. तो गाइज, इस कंपनी की जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी कंपनी होती है अपने कैंडिडेट के लिए कुछ ना कुछ वो देखती है कि उनके कैंडिडेट में वो स्किल्स हैं या नहीं. तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड चीज की बात हो रही है, सबसे पहले जो है फ्लुएंट इन इंग्लिश विद एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स. तो ऑब्वियसली गाइज, यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप बोलने में भी अच्छे होने चाहिए, एज वेल एज आपकी राइटिंग स्किल्स जो है इंग्लिश में वो भी अच्छी होनी चाहिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइटिंग स्किल्स जो है पहले ही क्लियर हो गया है. और इसके लिए भी सॉल्यूशन में बताती हूँ कि राइटिंग स्किल्स है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है और यहाँ पर कुछ लिखने के लिए आ जाता है, तो आप सभी ग्रामरली का एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो वहाँ पर अपने ग्रामर मिस्टेक्स को जो है करेक्ट करने के लिए, ऑटो करेक्ट करने के लिए. तो ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस आपको मिल जाते हैं. एज वेल एज राइटिंग के लिए आप सभी को गूगल ट्रांसलेटर का भी ऑप्शन मिलता है. लेकिन यहाँ पर फ्लुएंट इन इंग्लिश अगर वर्बल आ जाता है बोलने के लिए, तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है ना, अगर आप थोड़ा बहुत बोल पा रहे हो, तब भी आप सभी इस जॉब के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो. तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पर आपको एकदम मास्टर लेवल का इंग्लिश चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं गया. लेकिन फ्लुएंट लिखा है, तो ऑब्वियसली फ्लुएंट इंग्लिश जिसमें आप लिख सको, इनको एक अच्छा कंटेंट दे सको इंग्लिश में और बोल सको, ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट है गाइज. तो आप सभी को लगता है कि आपके अंदर अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन की अच्छी स्किल्स है, तो आप सभी डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. अब सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं कि एडिक्वेट नॉलेज ऑफ SEO इज मस्ट. तो हमारा यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है गाइज, वो है SEO, जो कि होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो गाइज, SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है. और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग तब करते हैं जब हमें अपनी क्वालिटी और साथ ही साथ क्वांटिटी चाहिए होता है अपने वेबसाइट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ट्रैफिक लाना, कन्वर्जन लाना, रेवेन्यू जनरेट करना,
तो इसमें SEO जो है एक काइंड ऑफ आपका फ्री भी होता है, लेकिन इसके जो सर्विसेज आप यूज करते हो गाइज वो डेफिनेटली पेड होते हैं। तो SEO यूज करने के लिए बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर इनिशियल फेज में हो तो आप सभी जैसे अपने कंटेंट के लिए कीवर्ड सर्च कर सकते हो, कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज कर सकते हो, URL में यूज कर सकते हो, हेडिंग वन टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, फिर लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। तो ये आपके बिगनर वाले स्टेप्स में आपके साथ शेयर कर रही हूं। हो सकता है कि आप में से कई लोग यहां पर जो होंगे जिनको ये सारी चीजें समझ में भी नहीं आ रही होंगी कि मैं उनको क्या बता रही हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO के बारे में। तो अगर आप सभी क्लियर वे में स्टार्टिंग से एकदम जीरो लेवल से समझना चाहते हो ना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्या उसका यूज है, तो वो मैं आपके लिए वो सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है SEO का वो क्लियर हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है, फ्रेशर हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है गाइस। तो मैंने आपको मेंशन किया था SEO के बारे में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल रहा है इंट्रोडक्शन जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद इन डेप्थ आप समझोगे कि कैसे काम करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप अपने वेबसाइट के लिए ट्रैफिक ला रहे हो तो कैसे ला रहे हो, क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे इंप्रूव कर रहे हो, अपने वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हो तो कैसे लिख रहे हो, कौन से कीवर्ड्स पर लिख रहे हो। इसके बाद यहाँ पर ओवरव्यू आपको दिख रहा है, CTR क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, CTR कैसे आपका गेन होगा, और एक्चुअली में आपको ये जानना पड़ेगा कि CTR होता क्या है, कीवर्ड क्या होता है जो मैं कीवर्ड की बात कर रही हूँ, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, ब्रेनस्टॉर्म कीवर्ड आइडियाज कैसे आएंगे। इसके बाद नैरो डाउन कीवर्ड लिस्ट क्या होता है, और यहाँ पर टूल बार जिनका यूज किया जाता है SEO के लिए कैसे यूज करना है, PAGA है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल SEO, बहुत सारे टर्म्स है गाइस जो आपने हो सकता है पहले नहीं सुना होगा। लेकिन अगर आप सभी अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो गाइस तो ये आपके लिए बेस्ट मैं ऑप्शन बता रही हूँ कि आप सभी इसे रख सकते हो अपने बेस्ट ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर आपको बस अपना टाइम लगाना है SEO का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज और मेंशन की गई कि व्हाट इज टाइटल टैग्स, हाउ टू राइट टाइटल टैग्स, ऑन पेज SEO URL स्ट्रक्चर विथ सेपरेटर इज बेस्ट। तो हो सकता है कि अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप सभी ये सारे पॉइंट्स क्लियर करना चाहते हो बेसिक स्टेप्स SEO के, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर बस आप सभी को अपना टाइम और एफर्ट लगाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो गाइज यहाँ से मैंने SEO के बारे में आपको क्लियर किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में यानी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। रोल इज राइट हाई क्वालिटी कॉन्टेंट फॉर वेबसाइट्स एंड क्रिएट डेली कॉन्टेंट फॉर मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर गाइज एक और चीज़ ऐड हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश की। सेकेंड, आप SEO एक्सपर्ट होने चाहिए, एक्सपर्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ आप सभी सीख के एक्सपर्ट बन सकते हो। थर्ड, यहाँ पर आपको कॉन्टेंट डिलीवर करना है और एज वेल एज सोशल मीडिया के लिए भी आपको कॉन्टेंट जो है यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मुझे दो तीन टर्म्स समझ में आ रहे हैं कि अगर आपको जो है यहाँ पर कंटेंट लिखना है अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, तो आपको कंटेंट जो है कैसे लिखना है, क्या होता है कंटेंट मार्केटिंग, वेबसाइट्स के लिए कैसे लिखोगे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कैसे लिखोगे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, ट्विटर पर हैशटैग जो है ट्रेंड करता है, ट्विटर पर आपको रीट्वीट्स भी चाहिए होते हैं, फेसबुक पर आपको पोस्ट लिखना होता है, एज वेल एज आप वहाँ पर ग्राफिक्स डालते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप क्या करते हो पोस्ट लिखते हो, वहाँ पर भी हैशटैग डालते हो, कितने हैशटैग वहाँ पर जरूरी हैं, कैसे पोस्ट जो है क्या रेजोल्यूशन होगा, कैसे ग्राफिक्स क्रिएट करोगे, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको यहाँ पर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी जानना पड़ेगा एज वेल एज आपको यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग के बारे में भी समझना पड़ेगा कि कैसे आप सभी वेबसाइट्स के लिए हाई क्वालिटी कॉन्टेंट लिखोगे, कौन से स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर आप सभी कॉन्टेंट लिखोगे, और एक कॉन्टेंट को कैसे आप सभी अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हो सकता है यहाँ पर आप में से कंटेंट लिखना बहुत क्यों आता हो, लेकिन सिर्फ कंटेंट लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको अलग अलग सोशल मीडिया के लिए भी लिखना है और हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है जो वायरल हो सके, जिस पर लोग क्लिक करके आपकी ऑडियंस जो है आपके कंटेंट को चेक करे कि आप उनके लिए क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हो। तो इसे अगर डेप्थ में समझना चाहते हो वो भी सॉल्यूशन मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, क्या स्ट्रेटजीज है, कितने टाइप्स के होते हैं कंटेंट मार्केटिंग, कैसे कंटेंट को वायरल करोगे, कैसे हाई क्वालिटी कंटेंट लिखोगे, कौन से कीवर्ड्स का यूज करोगे, और कैसे एक कंटेंट को आप सभी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के लिए यूज करोगे, तो ये सारी चीजें आप सभी को कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ही जो है सीखनी पड़ती है। और इसके लिए भी गाइज आप सभी को सिर्फ अपना टाइम और एफर्ट लगाना है, एफर्ट की आप सभी समझ सको कि जो भी चीजें यहाँ पर समझाई जा रही है, और टाइम आपको इसको देखने के लिए कि हाँ कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है,
समझने के लिए आपको बस टाइम देना होगा। अब इसके बाद मैंने बात किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये भी आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट आ जाता है, लेकिन आप सभी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी समझ सकते हो, जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो वो भी सॉल्यूशन जो है आपको यहीं पर मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पर है गाइस फेसबुक मार्केटिंग। यहाँ पर आपको फेसबुक पर क्यों इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को प्रमोट करना, कैसे ऑर्गेनिक वे में लाइक्स लाओगे, फॉलोअर्स लाओगे, कैसे पोस्ट लिखना है, कैसे ग्राफिक्स डिजाइन करना है, कैसे फेसबुक एड्स रन करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीख पाओगे। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, यहाँ पर आप से भी सीख सकते हो LinkedIn मार्केटिंग, कि LinkedIn मार्केटिंग में भी आपको बहुत सारी चीजें समझनी होती है कि आपको क्यों LinkedIn अकाउंट क्रिएट करना है, डैशबोर्ड इन ओवरव्यू कैसे आप देखोगे, ग्रुप और उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कैसे पोस्ट वहां लिखते हैं, वहां पर कितने हैशटैग लगते हैं, कंपनी पेज कैसे होता है, LinkedIn एड्स कैसे रन करोगे। इसके अलावा जो बच गया गाइस वो है ट्विटर। यहाँ पर आपको ट्विटर भी मिल जाता है, ट्विटर मार्केटिंग, आप सभी ट्विटर के बारे में समझ सकते हो कि ट्विटर कैसे काम करता है, कैसे रीट्वीट्स ला सकते हो ज्यादा से ज्यादा, कौन से एप्रोप्रिएट आपको यहाँ पर हैशटैग यूज करने हैं। तो गाइज आई होप कि इस जॉब रोल के लिए जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया, इस जॉब रोल के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सीखने का मौका मिल रहा है। और डेफिनेटली अगर आप सभी फ्रेशर हो तो आपको ये मेथड ट्राई करना चाहिए। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है, तो आप सभी उसे कवर अप कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, और जैसे ही आप सभी गए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करोगे लिंक को, वहां पर आपको मिलेगा 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास, जहां पर आप सभी जो भी रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ट्विटर, फेसबुक, LinkedIn, इंस्टाग्राम, इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग, आप सभी बिल्कुल सीख सकते हो 5 दिनों के फ्री डेमो क्लास में, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करने, सिंपली रजिस्टर करना है, नेम, मेल आईडी, फोन नंबर एंटर करके, और आप ज्वाइन कर सकते हो ये 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। अब बात करेंगे फाइनल प्रोसेस के बारे में कि कौन सी कंपनी है, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको जॉब की लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो काइंडली आप सभी लिंक को चेक कर लेना। अभी बात करने वाले हैं कि जॉब प्रोफाइल है क्या, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो गाइज यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल है वो है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और एक अच्छा डिजिग्नेशन जिसको बोलते हैं आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके हाई के लिए बहुत अच्छा है कि आपको स्टार्टिंग में ही डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिल रहा है, और यहाँ पर पर्क्स ऑफ बेनिफिट जो है आपके पास वो है घर बैठे अभी आपको काम करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप कंपनी नेम देख सकते हो, कंपनी के बारे में आप सारे इन्फॉर्मेशन गूगल से खुद कलेक्ट कर सकते हो, अच्छी कंपनी है, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर आपको दिख जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक को चेक करोगे, यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आप सभी इस प्लेटफॉर्म एक्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। और यहां पर जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि 0 to 1 years यहां पर आप अगर फ्रेशर्स हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, 1 year का एक्सपीरियंस है तब भी कर सकते हो। फिलहाल यहां पर सैलरी मेंशन नहीं की गई है, पहले आपका जो प्रोसेस होगा उसे आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको यहां पर पता चलेगा कि आपकी वर्क प्रोफाइल क्या है। लोकेशन देख सकते हो, लेकिन लोकेशन अभी आप कहीं भी रहो, वर्क फ्रॉम होम है, आराम से काम कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आपको अप्लाई का आइकन दिख रहा है, अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, लेकिन अप्लाई पर क्लिक करने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म यानी कि naukri.com पर अपना आईडी क्रिएट करना होगा, जहां पर मेल आईडी, फोन नंबर, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करनी होगी, एज वेल एज आप सभी को अपना यहाँ पर रिज्यूमे भी ड्रॉप करना होगा। सो गाइज अगर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपको लगता है कि इस जॉब को किसी और को भी रिक्वायर्ड है, किसी और को जरूरत है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक अनदर जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर यू ऑल, बाय।